हैदराबाद के नामपल्ली में कुछ अज्ञात लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की है। उपद्रवियों ने दुर्गा देवी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कल रात डांडिया का कार्यक्रम खत्म होने के बाद देर रात में ये तोड़फोड़ हुई है। वहीं पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। उधर मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने पहले पंडाल की बिजली काट दी और उसके बाद सीसीटीवी भी तोड़ दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ के बाद बीजेपी नेता माधवी लता भी मौके पर पहुंची। माधवी लता ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी। सुनिए क्या कुछ कहा वो, आप सुनिए। हम इन सारे लोगों को एक ही बात बताना चाहते हैं, खबरदार खबरदार, जिसने भी ये किया है ये मत समझना आपने मूर्ति को तोड़कर हमको कमजोर बनाया है, लेकिन मूर्ति को तोड़कर आपने हमारे अंदर शांति को निकाल कर एक क्रोध स्वरूप को ललकारे हैं। उस जमाना गया है जब आप जो भी समझते हैं कि हमारे भगवान के प्रति दूषण करना या मूर्तियों के ऊपर हाथ लगाने पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अब के बार वो हाथ कटेंगे जो हाथ आगे बढ़े हैं, उनका जीव कटेगा जो हमारे भगवान के ऊपर दुर्भाषण गलत बात कहेंगे। जीन।